Indian Navy's mission deployed guided missile destroyer INS Vishakhapatnam has responded to a drone attack. The INS Vishakhapatnam mission, which was deployed in the Gulf of Aden for anti-piracy operations, swiftly responded to a distress call by Marshall Island-flagged MV Genko Picardi following a drone attack that took place on the 17th of January, uh, and uh, that is yesterday. INS Vishakhapatnam was undertaking anti-piracy patrol in the Gulf of Aden and acknowledged. That distress call. Let's go across uh, to Rajiv Ranjan now for more. Rajiv, you can give us uh, details of what happened. देखिए आई एन विशाखापट्टनम जो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है विध्वंसक है यानी इससे बड़ा जो है आप अंदाजा लगाइए केवल एयरक्राफ्ट कैरियर ही होता है और ये जो डिस्ट्रॉयर है जिसमें हर तरह के मिसाइल होते हैं दो हेलीकॉप्टर होते हैं गन होते हैं और हर तरह के कमांडो से लैस होते हैं और उसके बाद इसको जब खबर मिलती है गदर अदन की खाड़ी में कि एक डिस्ट्रेस कॉल मिलता है कि एक जहाज पर ड्रोन अटैक अटैक हुआ है तो नौसेना के युद्धपोत जो है रात को खबर मिलती है और सुबह

कि जो अदन की खाड़ी से लेकर अरब की खाड़ी तक लगातार गश्त लगा रहे हैं और केवल भारतीय जहाज को ही नहीं बल्कि दुनिया के कोई भी शिपिंग जो जहाज है उस इलाके से मूव कर रहा है जो मदद की गुहार लगाता है उसकी मदद करने के पहुंचता है इससे पहले लाइबिया के झंडे वाला जहाज को भी मदद किया था और उससे पहले भी एक जहाज को मदद ड्रोन अटैक से बचाया था तो लगातार भारतीय नौसेना के जो रीच है जो पहुंच है वह दिखाती है कि भारतीय नौसेना का ये भी कहना है कि जो भी मदद की गुहार लगाएगा हम उसे मदद करेंगे और लगातार हम एंटी पैरिसी ऑपरेशन कर रहे हैं और ये ऑपरेशन 2008 से चल रहा है लेकिन अलग बात है कि अभी जो है एक कह सकते हैं कि दस से बारह युद्धपोत हमारे इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं